ओवरसीज स्टडी प्लानर के 15 वर्ष पूरे होने पर आज सिरसा शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको सिरसा शहर के सागवान चौक पर स्थित ओवरसीज स्टडी प्लानर की दिखा रहा हूं। सेंटर में न केवल सुखमणि साहब का पाठ किया गया बल्कि उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जो विदेश में स्टडी हेतु वीजा प्राप्त कर चुके हैं। सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों ने ओवरसीज स्टडी प्लानर के वहीं 15 वर्ष पूरे होने पर आज किया गया सिरसा शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको सिरसा शहर के सागवान चौक पर स्थित ओवरसीज स्टडी प्लानर की दिखा रहा हूँ। सेंटर में न केवल सुखमणि साहब का पाठ किया गया बल्कि उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जो विदेश में स्टडी हेतु वीजा प्राप्त कर चुके हैं। सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों ने अपने अपने विचार भी रखे, वहीं केक काट कर सेलिब्रेशन भी किया गया। वाहेगुरु जी की फतेह। अज बहुत ही भागा भरिया दिन है। 10-10-20 ऐसे तरह ही सारिया के सुख मुहब्बत प्यार बढ़ते रहन। अज इन्हां दे 15 साल पूरे हो चुके हैं जिन्हां ने सफलतापूर्वक अपने काम करे हैं, जिथे कि कबूतरबाजी अते बहुत सारे दोष लगते हैं, पर यह संस्था बड़े ही प्यार मुहब्बत नाल अते सच्चाई नाल अगे बढ़ रही है। हाँ जी, मेरी बेटी विदेश कनाडा में स्टडी करने के लिए गई है और मैं बहुत खुश हूँ। तो सर, आपको इस इंस्टीट्यूट का कैसे पता चला, किस तरह का ये रहा आपका? सर, मैं इत्थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे विच जॉब करता हाँ। तकरीबन 4-5 साल तो मेरी इत्थे ड्यूटी है। तो जिहड़े गुरविंदर सिंह जी ने एजेंट तो है ही हैगे ने, लेकिन ये मेरे दोस्त भी ने। मेरी कई साल तो इन्हां दे नाल दोस्ती है। तो इन्होंने मैनू कहा भई जे तुसी बच्चे बाहर भेजने ने, तो मैं कहा जी ठीक है। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स, मेरी बेटी के डॉक्यूमेंट्स इन्हां नू दित्ते ने, तो इन्होंने वीज़ा लवाया। वीज़ा लगन च जो फाइल इन्होंने सबमिट की है तो उन्होंने 5-6 हफ्ते बाद वीज़ा आ गया। तो सर, आपकी गुड़िया का या बेटे का कोई वीज़ा वगैरह लगा है या कहाँ लगा है? हाँ, मेरा बेटा कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में। तो सर, वो स्टडी कर रहा है। तो सर, ये आपको ओवरसीज स्टडी प्लान के बारे में कैसे पता चला? यहीं से कोचिंग ली थी आईलेट्स के लिए बेटे ने जी, इसलिए यहीं से ही फिर फाइल लगाई है। तो सर, कितना टाइम हो चुका है आपके बेटे को वहाँ स्टडी करते हुए? 1 साल हो गया। तो क्या शुभकामनाएं देंगे आप ओवरसीज स्टडी प्लानर को, जिनकी बदौलत जो है आपका बेटा आज मतलब विदेश में स्टडी कर रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छी सर्विस मिली है हमारे को। हम कामना करते हैं ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। सर, क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। कहाँ से हो सर आप? कुलवंत सिंह, सन ऑफ तेजा सिंह, गाँव रत्ता टिब्बा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। आपके बेटे
रिशपाल अटवाल का वीज़ा, यूके का वीज़ा लगा जी इंग्लैंड का। शुभकामनाएं तो मैं यही देना चाहता हूँ कि आपका जो काम है सच्ची भावनाओं के साथ काम कर रहे हो आप, इसलिए मेरे यही आपके साथ मतलब ये है कि आपका जो काम है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा चले। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नारायण दास कंबोस, प्रेम नगर बरनाला रोड सिरसा। बेटा जी कनाडा गया होगा, इनके द्वारा आईलेट्स करके बड़े सुचे ढंग से बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने भेजा। सुमित कितने था भाजी वीजा थोड़ा लग गया है? कनाडा था। क्या मतलब इतने तुम कि पहुंचे, मतलब इस इंस्टीट्यूट का तुम कि पता लग गया? मेरा फ्रेंड से काफ़ी टाइम पहला तो अभी इकट्ठे से, तो उन्होंने इतों लगवाया वीजा कैनेडा का, तो उन्होंने मैं सुजैसट कराया, फिर मैं इतने विजिट कर। तो आपका वीजा अप्रूव हुआ है या लग चुका है अभी? नहीं, मेरा AAP अप्रूवल हो गया है। क्या नाम है जी आपका? रमनदीप कौर। आपकी गुड़िया विदेश गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, इस ढंग आप तरक्की करें जी, और से हम इन बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं इनको, रात चौगनी तरक्की करे। मैडम कहाँ का आपका वीजा लगा हुआ है? तो ये अप्रूव हुआ है या स्टडी आप ऑलरेडी कर रहे हो कनाडा के अंदर? मेरा जो मेरी च्वाइस थी वो एक्सपायर होने वाली थी, मुझे कोई होप नहीं थी कि मैं कनाडा जा पाऊँगी, लेकिन जब मैंने ओवरसीज स्टडी प्लानर विजिट किया तो इन्होंने मुझे पूरी होप दी एंड मेरा वीज़ा विद इन 4 hours यहाँ पहुँच गया, एंड आई विश देम अ वेरी गुड लक, एंड इनका ऑफिस और स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा है सर, मैं यहाँ पे ओवरसीज स्टडी प्लानर से मेरा वीज़ा लगा है, 3 साल का मेरा गैप था, और यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, इन्होंने मेरे को बहुत ही बढ़िया गाइडेंस दी और अच्छे से मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ला कर दिया। मेरा नाम मंगाराम है जी, हमारा दोता गया जी राजीव कुमार, कनाडा में गया जी, अब बहुत अच्छे से सेटल है। हम तो बहुत अच्छी शुभकामना देते हैं कि जो भी काम कराना है ओवरसीज के सीज से ही काम कराओ, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल और सही काम कर रहे हैं। मेरा नाम सूरज प्रकाश। कहाँ का वीज़ा सर आपका लगा है? जी मेरा वीज़ा कनाडा का लगा है। कितना टाइम पहले सर लगा है? सर मैंने लॉकडाउन से पहले अप्लाई किया था, लॉकडाउन से करीब 5-6 दिन पहले, तो लॉकडाउन होने के कारण मेरी फाइल रुक गई थी, बट अपने प्रोसेसिंग शुरू होने के तुरंत कुछ ही दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया था। मेरा नाम अमन है, मैं वैसे तो सिरसा से ही हूँ लोकल, और मेरा गांव है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मंगाला। मेरा कनाडा का वीज़ा है, CDI कॉलेज है, मॉन्ट्रियल शहर है, तो उसका है। नहीं सर दिक्कत तो कोई नहीं है, वेरी कोऑपरेटिव है, मैं कहूँगा कि जितनी भी मदद कर सकता है जो इंस्टीट्यूट जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं, तो उन्होंने उतनी हमारी मदद की है और दिक्कत कोई नहीं आई हमें। दर्शन सिंह जी, सतनाम सिंह का लगा जी कनाडा का। हाँ जी बेटा जी मॉन्ट्रियल चाहिए। ना जी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत वधिया सा जॉब मिले। हरबंस सिंह जी। परमजीत कौर। कनेडा गया जी, ब्रैम्पटन है। कोई दिक्कत नहीं आई जी, जल्दी आ गया वीजा तो। एक हफ्ते च आ गए। मेरा नाम विकास मदान है। आपके परिवार में सर कौन का वीजा लगा है, किस बच्चे का वीजा लगा है? मेरा बेटा अमन मदान 2019 से कनाडा मॉन्ट्रियल में गया है, उसका बहुत बढ़िया यहाँ से वीज़ा लगा है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई। उसके जाने के बाद मैंने अपने 3-4 जानकारों का भी वीज़ा लगवा के दिया है यहाँ से, सभी वहाँ पहुँच गए हैं और बहुत खुश हैं। ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, मेरा बेटा गया है कनाडा, अब बेटी यहीं से कर रही है।
मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, खूब तरक्की करें। तो मैडम कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मेरी बेटी भी गई है कनाडा। हाँ जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं आई, 24 घंटे आज वीजा आ गया। मेरा नाम रमन कुमार है जी, मैं एलिजाबेथ से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा कनाडा का स्टडी वीजा है जी। नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जी, सब अच्छी तरह से स्टाफ जो है सब कुछ उन्होंने सारा कुछ बता के बढ़िया तरह से फाइल को अप्लाई किया। इंस्टीट्यूट के बारे में सर क्या कहेंगे आप? इंस्टीट्यूट सर बहुत अच्छा है, अगर कोई भी बच्चा जाना चाहता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो एक बार इनसे ज़रूर मिले और अपनी जो फाइल के बारे में ज़रूर इनसे डिस्कस करे, तो डेफिनेटली दे विल गेट द रिज़ल्ट। अगर मैं सफ़र की बात करूं तो हमने ये स्टार्ट किया, मैंने इस लाइन में मुझे हो गया 12 ईयर्स एट राउंड। आई हैव डन माय एमबीए के बाद मैंने एज अ आयल्स ट्रेनर पहले मैंने कोचिंग खुद ली, देन मैंने ये स्टार्ट किया। अभी इमिग्रेशन लाइन में मुझे 12 साल हो गया, बठिंडा से मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत की थी और अब मुझे यहाँ पे सिरसा में चलाते हुए 8 ईयर्स यहाँ पे हो गया, 4 ईयर्स मैंने वहाँ पे किए थे। बहुत अच्छा सफ़र है, चैलेंजिंग भी है नो डाउट, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट्स हम दे रहे हैं, डे बाई डे प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक बहुत अच्छा चल रहा है सारी चीज़। डेफिनेटली अगर मैं चैलेंजिंग की बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं कहूँगी बीइंग अ गर्ल, एज अ गर्ल जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो सबको यही था कि मतलब लड़की एक ओनर है इमिग्रेशन लाइन में, मतलब लड़की काम करी वो बिजनेस जॉब तो कर रही है बट बिजनेस रन करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। समटाइम्स लोगों को भी रहता था कि हाँ मेन आप ही हो, शायद 8 से 8 साल पहले जो एज को लेके भी था कि हाँ बहुत यंग एज में तो आप ऑनर, आपसे बड़ा कोई सीनियर है जो डील करता है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा मैटर तो मैं यही करूँगी। उसके बाद हाँ ठीक है कि नया स्टार्ट करना हर एक तरीके से, चाहे वो कस्टमर्स की डीलिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके के लोगों का आना जाना, चैलेंज रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट वो मैं कहूँगी कि परमात्मा की कृपा से सारी चीज़ें हमने अच्छे से जो है वो मेहनत करते चले हैं, जिसका आज रिज़ल्ट है हमें आज इस लाइन में 15 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए। अगर मैं स्टूडेंट की काउंटिंग तो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कितने नंबर ऑफ है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आई थिंक 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग पिछले 15 सालों में भेज चुके हैं, 10-12 साल मुझे हो गए इस लाइन में, उससे पहले जो मेरे को ऑनर है सर वो कर रहे हैं, तो आई थिंक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा रह चुकी है। हम जो मेजरी डील करते हैं वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है स्टूडेंट वीज़ा, यूके है, उसके बाद यूरोप एंड सिंगापुर है, और मेरे पास जो मैं ओवरसीज स्टडी प्लानर्स इस रीजन में हरियाणा में स्पेशली फेमस है जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कनाडा के लिए, कनाडा के लिए चाहे किसी भी तरीके के प्रोफाइल्स हो हमने बहुत ही अच्छे से उनके वीज़ाज लिए हैं। हाँ जी, हाँ
जो हमारी संस्था ओवरसीज स्टडी प्लानर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट ही हमारा एक फैमिली रिलेशन है। इवन आज भी आप देख सकते हो कि जितने भी आए हैं वो प्रीवियस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो कई सालों से बच्चे गए हुए हैं। तो हम प्री लैंडिंग पोस्ट लैंडिंग दोनों तरह की सर्विसेज स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी गए हुए हैं या जो हमारे एसोसिएट्स वहाँ पे बैठे हैं, बच्चों को चाहे वो बेसिक चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जब यहाँ से बाहर निकलता है तो पहली चीज़ रहती है कि उसको रहने का कैसे अरेंजमेंट होगा, कौन उसे रिसीव करेगा। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हम उसके लिए करते हैं, नॉर्मल देखने में लगती हैं, बट ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि पेरेंट्स को भी इसी चीज़ की टेंशन रहती है कि बच्चों को कैसे संभाला जाएगा। टिल पीयर हम लोग पूरा बच्चे का बैकअप करते हैं, आफ्टर स्टडीज़ को, ड्यूरिंग स्टडीज़ जो जॉब चाहिए है, अकोमोडेशंस चाहिए हैं, ट्रैवलिंग के लिए कहीं भी जाने आने में जो हेल्प आउट चाहिए है, वो हम लोग यहीं पर बैठे सारी स्टूडेंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इन फ्यूचर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो नेक्स्ट प्लान है विद इन 2 or 3 months में भी हम लोग वो बहुत ही नियर जो है हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, फरीदकोट जो पंजाब में है, सेकेंड उसके बाद बुढ़लाडा है जो भी पंजाब में है, उसके बाद हमारा रतिया में प्लान आउट हो रहा है। ऑलरेडी काफ़ी सारे सब एजेंट्स एसोसिएट्स हैं जिनके साथ हम अच्छे से काम कर रहे हैं, बट ये है गंगानगर में हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। इन फ्यूचर जो हमारा जो प्लान है कि 50+ ब्रांचेस का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, कमिंग ईयर में हम लोग जो है वो कम्प्लीट करेंगे। इसलिए सत श्री अकाल जी, मैं गुरविंदर सिंह संघेड़ा ओवरसीज स्टडी प्लैनर्स तो, मैं इस दे बारे यही कहना चाहवागा कि ये अपने मेरे अपने क्लाइंट्स और मेरे सहयोगियों का ही साथ है कि ये असी ये सक्सैस पाई है, तो बड़ा धन्यवाद करदा इन्होंने ट्रस्ट दिखा के साढ़े उत्ते अपने बच्चों के कैरीयर साढ़े हाथ में दते, तो असी उन्होंने सफल कराने कामयाब हुए हैं। वाहेगुरू जी की मेहर सदका, धन्यवाद जी। सिंपल सी बात है जी, जो प्रोफाइल वीज़ा सक्सेस होने वाला होता है पहली बात तो उसी को ही हैंडल किया जाता है कि इसका वीज़ा लेके देंगे, और अदरवाइज़ धोखाधड़ी की बात करें तो जो प्रोफाइल होने वाला नहीं होता, जिसका पहले से कंसल्टेंट को श्योर होता है कि इसका वीज़ा 50-50 चांसेस हैं या इसका वीज़ा नहीं होगा, तो उनको अपने पीछे लगाना, उनको ये बोल करके कोई ना कोई फेक उनके साथ में वादा करके कि वीज़ा करवा के देंगे, तो उसमें धोखाधड़ी ऑब्वियसली होती है। लेकिन पहले से अगर प्रोफाइल कोई सिलेक्ट प्रोफाइल होगे और जेन्युइन तरीके से उसका प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली जो बच्चे का सपना वो भी पूरा होता है और अपनी कंपनी का ग्रोथ और आपके सामने है जो भी है आज लोग प्रशंसक हैं जी। सर 15 साल आपको इस बिजनेस में हो चुके हैं, तो सफर की शुरुआत कैसे हुई, किन किन दिक्कतों की शुरुआत तौर पर दिक्कत आपको आई? ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है, हम तो अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, लोग आते गए काफिला बढ़ता गया, तो उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ जी 15 साल में। आज मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं सेफ जोन में हूँ, जब स्टार्टिंग थी तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। शुरुआत आपकी कहाँ से थी, आगे क्या पड़ाव रहेगा? आगे बस इसी तरह से लोगों की सेवा करना यही रहेगा। सबसे पहले तो मैं तारीफ करनी चाहूँगा सिरसा सिटी की, बहुत कुछ दिया मेरे को, मेरा कैरियर बना यहाँ पे और सभी चीज़ें, लोग बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी पार्टिकुलरली उसका मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन ऑलवेज़ करता रहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अभी मैं इसकी ब्रांचेस पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ में लेके जा रहा हूँ जी, इसका भी मेरे पास जो अभी का है तो बठिंडा में एक कस्बा पड़ता भक्ता भाई का, और बठिंडा में फरीदकोट सिटी और फिरोजपुर सिटी में पंजाब में मेरी 4 ब्रांचेस अभी रनिंग में हैं, और थाने वेस्ट मुंबई में एक ब्रांच है, और प्रोस्पेक्टिव आगे जाके मेरा जो प्लान है फाइनल हो रखे हैं मेरे वेन्यू, वो तमिलनाडु चेन्नई और अहमदाबाद गुजरात में। और सी स्टडी प्लानर्स के चेयरमैन और MD को 15 साल उनके पूरे करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे भी परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। धन्यवाद। गुरविंदर जी बड़े ही नेक दिल इंसान है और बड़े साफ सुथरी छवि है उनकी, क्योंकि ये जो लाइन है जी ओवर स्टडी की, इसमें आदमी को बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, और जो ये रहते भी हैं, क्योंकि इसमें आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि कबूतरबाजी का केस ही हो गया हो गया, छल कपट वाले ज़्यादा लोग विचार मिलते हैं, बट इनका जो व्यवहार है, काम करने का तरीका है, बिल्कुल क्लाइंट से ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और मेरे को इनसे जुड़े हुए लगभग 7-8 साल हो गए हैं, और बड़ा अच्छा नेचर है, और काम करने का तरीका भी बड़ा साफ़ सुथरा और स्वच्छ है।